मध्य प्रदेश के रीवा से फर्जीवाड़े का एक अजब मामला सामने आया है, जिसमें दो बच्चों की मां को विवाह योजना के तहत मिलने वाली राशि दी जा चुकी है और दोबारा मिलने की तैयारी है, जबकि शादी कई वर्ष पूर्व हो चुकी थी। पूरा मामला रीवा जिले के हनुमना जनपद पंचायत अंतर्गत कैलाशपुर ग्राम पंचायत का है, जहाँ पूर्व सरपंच अशोक कुमार पटेल के द्वारा बताया गया कि कैलाशपुर निवासी कमला पिता राम राघव यादव का विवाह 10 वर्ष पूर्व हो चुका था, जिसके पास वर्तमान में 2 बच्चे हैं। बावजूद इसके गांव के एक व्यक्ति द्वारा सरपंच सचिव की फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी सील लगाकर शासन के साथ धोखाधड़ी कर 51,000 की राशि 1 फरवरी 2022 को ली जा चुकी है। इसके बाद पुनः उसी लड़की से आवेदन देकर राशि प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं इस मामले पर हनुमना सीईओ के द्वारा बताया गया कि मामला प्रकाश में आया है, जिस पर जाँच कराया जा रहा है। कैलाशपुर का मैं पूर्व सरपंच 2015 से 2021-22 तक, उस पूर्व के जमाने में जब मैं सरपंच था, उस जमाने में नीरज कुमार पिता राम राघव यादव और राम राघव यादव पिता राम नारायण यादव के द्वारा कन्या विवाह की के मतलब फाइल पेश कर उसमें 51,000 रुपये की लालच में पड़ कर हमारा और सचिव का फर्जी सील सिग्नेचर करके और हस्ताक्षर करके स्वीकृत कराया। जब मुझे यह मालूम चला कि इन्होंने ऐसा कृत किया है नीरज कुमार और राम राघव ने, तब मैं सीओ हनुमना के जनपद में शिकायत किया 3 दिसंबर 2022 को, लेकिन उसकी जांच आज तक नहीं हुई, न उसमें कोई कार्रवाई हो रही है। और शासन के साथ इन्होंने दो दो फाइल, एक ही मतलब पिता की बच्ची हैं, जिसकी शादी एक की 2012-13 में और एक की 2017-18 में हुई है। जो बड़ी वाली लड़की है उसके पास एक प्रिंस कुमार पिता राम मण यादव निवासी खैरपुर का रहने वाला है, जो ग्राम पंचायत कैलाशपुर के विद्यालय में पढ़ता है कक्षा 4 में, जिसका जन्म 1/4/2014 का जन्म है। और दूसरी वाली जिस बच्चे का विवाह हुआ है पूजा का 17-18 में, लेकिन उसकी भी शायद फाइल लगा करके और कन्या विवाह की 51,000 रुपये की लालच में पड़कर सरपंच सचिव के ये सील सक्का लगा करके हस्ताक्षर करके राशि आहरण किया करने के लालच में था। इसकी शिकायत हमने जनपद सीओ के यहाँ किया, जिला पंचायत में किया और यहाँ थाने में भी किया, लेकिन उसकी शिकायत जांच अभी तक न हुई और न दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई। जब मुझे जानकारी हुई तब मैं तुरंत आवेदन लगाया, बोला जा रहा है कि मैं जाँच करवा रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई जाँच नहीं हुई। आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि बच्चियों की शादी पूर्व में हो चुकी है? पूर्ण रूप में नहीं, मेरे जस्ट गांव के या घर के बगल में हैं दोनों, कि एक की शादी 12-13 में हुई है जिसके 2 बालक हैं, एक की शादी 17-18 में हुई है जिसके पास 1 बालक है। एक का नाम कमला पिता राम राघव, दूसरी का नाम पूजा पिता राम राघव है। अब ऐसा कृत्य करने वाला उसका बालक राम राघव का नीरज कुमार यादव है, जो सरपंच और सचिव की हस्ताक्षर किया है। जब मुझे मालूम हुआ 2 महीने पूर्व में, तभी मैं थाने में और जनपद कार्यालय दोनों जगह आवेदन दिया। बोले कि जब सीओ साहब यहाँ से लेटर लिख के आएगा तब हम कार्यवाही करेंगे। किरण पटेल है, मैं ग्राम पंचायत कैलाशपुर का सेक्रेटरी पत्नी हूँ। हाँ, ये फर्जीवाड़े पूर्व सरपंच द्वारा शिकायत की गई थी कि मतलब पूजा पिता राम राघव, कमला पिता राम राघव यादव की फर्जी फाइल मतलब पेमेंट के लिए लगाई गई है। तो फिर जब सरपंच माध्यम शिकायत हुई तब फिर यहाँ फाइल निकलवाया गया, तो उसमें फिर जांच मतलब अधिकारियों द्वारा जांच किया गया, फाइल वहाँ से मंगाई गई जिले से, उसकी जांच प्रक्रिया चालू है। नहीं, फाइल को देखे हम लोग, उसमें हम लोगों की सिग्नेचर नहीं है, फर्जी सिग्नेचर है। हमारे द्वारा तो कुछ नहीं, जनपद से उसका मतलब जाँच प्रक्रियाधीन है, जाँच चल रही है। अभी बोले हैं कि मतलब निराकरण होगा, सही होगा। ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक शिकायत आई है 1 सप्ताह पहले, उसकी मैं जांच करवा रहा हूँ। यह है कि उसमें मैंने श्रम कार्ड धारियों में जो शादी हुई है, कोई अस्पताल 5 रुपये को लाभ दे दिया गया। नहीं, 1 सप्ताह पहले हमारे संज्ञान में आया, मैं उसको सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी और गौतम एरियो से व्यक्ति के द्वारा एक बार पूर्व में भी
अभी जानकारी तो ऐसी नहीं है, इतना आया है कि एक बार कोई राशि के बारे में आवेदन आया है, मैं उसका जांच करके बता रहा हूँ।